हेलो दोस्तों, स्वागत है आज सबका। और आज हम आए हैं एक नया टॉपिक कवर करने, और ये टॉपिक है आज आपका सैंड के ऊपर। और जो आपको नहर के बारे में बताएगी कि नहर कैसी होती है, जिसको हम कैनल भी बोलते हैं। तो मैं इन दोनों चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, तो चलो आज आपको बताते हैं। तो स्वागत है दोस्तों, आज हम जैसे कि मैंने बताया कि मैं जो कैनल के अंदर आपको घरों में यूज सैंड करते हैं, उसकी क्वालिटी अलग अलग हो सकती है। जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये सैंड है। और जो आपने आम लोगों को भी मैं बताऊँगा कि जो पानी में बह बह के आती है वो सैंड होती है, वो मिट्टी नहीं होती, जैसे कि आप ये देख रहे हो। और इंजीनियरिंग के अगर सिविल के स्टूडेंट इस चीज़ को समझना चाहते हैं, जो सैंड के बारे में पढ़ते हैं, जो वाटर के अंदर होती है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको ये है। तो दोस्तों, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये कैनल दूर से आ रही है, और इसके अंदर जो धीरे धीरे वाटर की अंदर होती है, वो सैंड धीरे धीरे सेटल डाउन होती रहती है, जिनको हम कैलकुलेट भी करते हैं, और वो बात तो नहीं करेंगे। पर मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि ये डेप्थ है, इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि जैसे मैं इसको निकालता जा रहा हूँ, ये देखो, एक्चुअली डेप्थ इसकी इतनी है, बट मैं ये बात करूँ नियरली अबाउट हाफ फुट तक ये इसकी डेप्थ को कवर कर चुकी है। तो सबसे ज़्यादा हमारे को जो इफ़ेक्ट करती है कैनल के अंदर, वो उसकी डेप्थ भी इफ़ेक्ट करती है। इसीलिए गवर्नमेंट इसको बार बार रिमूव करवाती रहती है, जिसको हम स्टडी भी करते हैं इंजीनियरिंग के अंदर। और दूसरा दोस्तों, आप एक इरीगेशन के अंदर एक टॉपिक भी पढ़ते हो, उस टॉपिक का नाम है ट्रैपेज़ॉइडल कैनल, जिसको आप स्टडी करते हो। मैं बताऊँगा, आप इस कैनल का साइज़ भी देख रहे होगे कि जैसे यहाँ से ये ऐसे आ रहा है, और फिर ये ऐसे हो गया, और फिर ये ऐसे हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ रही है, वैसे वैसे इसकी विड्थ भी बढ़ रही है। तो जब इसके अंदर वाटर को फ्लो करवाते हैं, तो हम जब इसका वॉल्यूम निकालते हैं वाटर का, कि कितना डिस्चार्ज हो रहा है, वो हम ऐसे ट्रैपेज़ॉइडल ऐसी शेप होती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं ट्रैपेज़ॉइडल शेप के अंदर, तो आप एक्चुअली प्रैक्टिकल देखो कि जैसे ये शेप है, ये ऐसे है शेप, फिर ये स्ट्रेट हो रही है, और फिर ये ऐसे है। तो क्या है कि अगर मैं प्रैक्टिकली बात बताऊं, तो आप इसको मानोगे, सपोज करोगे, तो ये सीधी इसकी क्या है, आपकी हाइट है, ठीक है। पर जब इसकी विड्थ की बात करोगे, तो यहाँ पे विड्थ इसकी लेट्स सपोज करो कि ये 2 मीटर है, पर जैसे जैसे आप बढ़ रहे हो, तो आप देख रहे हो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर के बीच में जैसे जैसे आप बढ़ोगे, इसकी डेप्थ भी बढ़ती ही जाएगी, ठीक है दोस्तों। और इसके ऊपर डेप्थ के ऊपर इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है इसकी सैंड का, क्योंकि सैंड आप देखा है, जैसे कि एक्चुअली मैं कहूँगा, दिखाओ इधर आओ, कैमरे को इधर लेके आओ। अब जैसे कि मैंने ये दिखाया आपको, और इसकी हाइट में इतना जो आप देख रहे हो सैंड, इतने सैंड आ गई है, और इसकी एक्चुअली डेप्थ ये है। अगर मैं इसको हार्ड करके दिखाऊँ, तो आप ये देख रहे होगे नीचे ब्रिक है दोस्तों। तो इस तरह इसकी जो हाइट होती है, उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट करती है। होप सो ये आपको प्रैक्टिकल चीज़ें समझ आई होंगी। और जनरल लोगों के लिए तो ये जो सैंड है, ये हमारे घरों में भी यूज होती है जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। बट इसकी क्या होती है कि क्वालिटी डिपेंड करती है, कि जब ये एक्चुअली पहले रिवर से स्टार्ट होती है, तो इसकी क्वालिटी बेस्ट होती है। पर जैसे जैसे ये इसकी बढ़ती जाती है, कैनल में डिवाइड हो जाती है, रिवर्स से कैनल में जाते जाते हैं आगे तक और जाते हैं, इसकी क्वालिटी लो होती रहती है। तो जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है, जब रिवर्स से कैनल में अंदर एंटर होती है, तो उसके आसपास ही हम वहाँ से उसको कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और वहाँ से गाड़ियाँ भर के आपके घरों तक पहुँचाई जाती है। तो होप सो दोनों लोगों को समझ आया होगा, जनरल लोगों को भी, आम लोगों को भी, और सिविल वाले लोगों को भी। जैसे सैंड और ट्रैपेज़ॉइडल इनका आकार होता है, शेप होती है। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसके नीचे कमेंट करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।